एयर इंजीनियरिंग और बहेल अब इस परियोजना को पूरा करने के लिए बहुउद्देश्य जब शब्द आ जाता है तो इसका मतलब वो बहुत ही एक अच्छी परियोजना कहलाई योजना के लिए, यानी कि दिबांग जो इनकी परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में चल रही है एनएचपीसी की, वो है 2880 मेगावाट की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक परियोजना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे सर एनएचपीसी और भेल की। आज मैं अपने गांव में आया था तो ये देखो धान की फसल लग रही है। तो इस तरीके से हम जो जीवन अपना व्यापन करते हैं एक हरियाली की तरफ आगे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब हम घर पे हमेशा घर पे रहते हैं या अपने ऑफिस में रहते हैं या अपने किसी भी कार्य से एक जगह बंद रहते हैं, दुकान पे रहते हैं, बिजनेस करते हो, तो वो हमारे माइंड को एक अलग स्तर पर ले जाता है, वो होता है डिप्रेशंस का। जब हम पैसों के लिए वर्क करते हैं तो थोड़ा सा अपने को आनंद देने के लिए अलग अलग जगह की तरफ निकलना चाहिए। ये पॉपुलर का पेड़ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि एनएचपीसी से ऑर्डर जो हासिल कर लिया है भेल ने कर लिया है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था लेकिन आज ये और अलग तरीके से न्यूज़ निकल कर आई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए, यानी कि दिबांग जो इनकी परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में चल रही है एनएचपीसी की, वो है 2880 मेगावाट की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक परियोजना है, ध्यान रखना मेरी, एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। और भेल ने इसको E&M के तहत एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय अलग जो प्रतिस्पर्धा बोली जा रही थी उसके अंदर से ये बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। तो इसका क्या आ गया, बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। जब बड़ी मुश्किल से हासिल ये प्रतिस्पर्धा के तहत इसने ये हासिल किया है ऑर्डर, तो इसका मतलब ये परियोजना बहुत बेहतरीन है। तो एनएचपीसी यहां से बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है क्योंकि एक इसकी ऐसी परियोजना चल रही है दिबांग में जो ये बहुत अलग तरीके से इसको और अच्छा कर देगी ग्रीन एनर्जी पर। तो जल विद्युत परियोजना चल रही है भेल की, तो ये धान है भाई। तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से एनएचपीसी बहुत मजबूत हो रहा है क्योंकि उसकी परियोजना के लिए पहले पटेल इंजीनियरिंग और भेल अब इस परियोजना को पूरा करने के लिए बहुउद्देश्यीय जब शब्द आ जाता है तो इसका मतलब वो बहुत ही एक अच्छी परियोजना कहलाई जाती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वर्ल्डिंग को पकड़ेंगे और जब हम वर्ल्डिंग को पकड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एनएचपीसी यहाँ से मजबूत हो रहा है और भेल भी मजबूत है, लेकिन पटेल इंजीनियरिंग और भेल जो दौड़ रहे हैं एनएचपीसी के लिए। और आपको पता है देश की सबसे बड़ी कंपनी है जल विद्युत में एनएचपीसी, इस तरीके का जो वर्क करती है। तो आज मैं अपने खेत पर आया था, ये देख लेना आप। तो शायद उधर नदी है, उधर साइड उधर नदी है, तो गांव का नज़ारा अलग होता है भाई। जब हमारे सामने ऐसी न्यूज निकल कर आ जाती है जिसके अंदर किसी न किसी कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को उसके लिए वर्क किया जाता है तो वो उनके कार्यों के उद्देश्य के लिए वर्क किया जा रहा है। तो हर एक उद्देश्य को आपको जानना चाहिए कि न्यूज क्या बोलती है और हम न्यूज बेस्ड काम करते हैं। और किसान अपने गायों के लिए चारा लेके जा रहा है, ये आप चेक करते हैं। तो हसीन वादियों में यहाँ से एनएचपीसी और भेल मजबूत होते दिख रहे हैं। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।